अब हम समूह 18 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 18 जिसे अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है या नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्रिय गैस के रूप में इसे क्यों जाना जाता है? इस परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP6 है। इसका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, ना लेने की प्रवृत्ति होती है, ना ही ये साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका डुप्लेट, यानी हम अगर हीलियम की बात करते हैं तो ये डुप्लेट फॉर्म में होता है, यानी इसमें दो से ही इसका स्थायित्व रहता है, दो इलेक्ट्रॉन से ही इसका स्थायित्व रहता है। और बाकी जितने भी सदस्य हैं सभी के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही स्थायी हो, प्रायः यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती है। तो इस परिवार के जो कुछ सदस्य हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियॉन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54 और रेडॉन 86। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानेंगे। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब हम लिखेंगे तो सभी में बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण है। हीलियम में 2 है परमाणु क्रमांक, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2, नियॉन के लिए 2s2 2p6, ऑर्गन के लिए 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 36 है 3d10 4s2 4p6, ज़ेनॉन 54 है तो 4d10 5s2 5p6, रेडॉन 86 4f14 5d10 6s2 6p6। तो सभी में बाह्यतम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, लेकिन प्रकृति में कुछ यौगिक आजकल देखे गए हैं। ज़ेनॉन के कुछ फ्लोराइड हैं या ऑक्साइड्स हैं, और ऑक्सोफ्लोराइड्स भी देखे गए हैं। क्रिप्टॉन भी फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है, KrF2 के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, त्यागने की यानी देने की और साझा करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। और इसका जो स्थायित्व है उसका एक कारण और भी होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक सममित संरचना लिए हुए होता है। तो हम ये जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सममिति होती है, सममित संरचना होती है, ऐसे तत्व बहुत अधिक स्थायी होते हैं। प्रकृति में इसकी उपलब्धता को हम जानेंगे। अक्रिय होते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, रेडॉन को छोड़कर, क्योंकि रेडॉन जो है वो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। ये सभी गैसें मिलकर वायुमंडल में आयतन के आधार पर 1% भाग बनाती हैं। तो आयतन प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में जो इसका परसेंटेज है वो आप देखिए, हीलियम 5.24 × 10⁻⁴, नियॉन 1.50 × 10⁻³, ऑर्गन 0.934, क्रिप्टॉन 1.14 × 10⁻⁴, ज़ेनॉन 8.7 × 10⁻⁶। तो यहाँ हम सभी में देखते हैं कि ऑर्गन की मात्रा ज़्यादा है। ये सब मिलकर आयतन के आधार पर 1% बनाते हैं वायुमंडल का भाग, लेकिन उसमें से भी ऑर्गन की मात्रा ज़्यादा होती है 0.934। हीलियम का जो मुख्य औद्योगिक स्रोत है वो प्राकृतिक गैस होता है। हीलियम कुछ जो रेडियोधर्मी उत्पत्ति वाले जो खनिज होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लेंड, मोनेजाइट, क्लिवाइट। रेडॉन रेडियोधर्मी होते हैं। इसकी उत्पत्ति रेडियम एवं थोरियम के क्षय से भी होती है, जैसे रेडियम 88 और इसका जो परमाणु भार है 226। इसमें से जब अल्फा कणों का विसर्जन होता है तो एक अल्फा कण के विसर्जन से रेडॉन बनता है, क्योंकि एक अल्फा कण के विसर्जन से 2 परमाणु क्रमांक में कमी होगी और 4 परमाणु भार में कमी होती है, क्योंकि एक अल्फा कण हीलियम के बराबर होता है जिसमें हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। तो रेडॉन में 86 एटॉमिक नंबर और जो वेट है 222 होता है। इसी प्रकार थोरियम के 6 से भी रेडॉन प्राप्त होता है। थोरियम
90, 230, इसका परमाणु भार 230 और परमाणु क्रमांक 90 है थोरियम का। इसमें से दो अल्फा कण का विसर्जन होता है। दो अल्फा कणों के निकलने से रेडॉन प्राप्त होता है, जिसमें कि 86 रेडॉन का एटॉमिक नंबर और रेडॉन का जो एटॉमिक वेट है 222। तो चूंकि दो अल्फा कण निकलता है, अर्थात यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होगी, परमाणु भार में 8 की कमी होगी। तो परमाणु भार में 8 की कमी होने से 230 से 222 और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होने से 90 से 86 अर्थात रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक है, रेडॉन है, वह प्राप्त होता है। अब हम इस परिवार के प्रमुख जो गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या। चूँकि इस परिवार में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्थायी होता है, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की, लेने की या साझा करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ऊपर से नीचे आने पर तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। लेकिन वास्तव में ये किस प्रकार की परमाणु त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए वो हमें जानना है। तो चूंकि यह एक परमाणु होते हैं और ये बंद बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, तो इसमें सहसंयोजक त्रिज्या काउंट नहीं होती है। अक्रिय गैसेस होती है या उत्कृष्ट गैसेस होती है, इसकी परमाणु त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या के रूप में काउंट की जाती है, क्योंकि इसमें ये वांडरवाल आकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं। तो वांडरवाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। तो यदि हम आवर्त सारणी को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है, लेकिन अक्रिय गैसों का जो परिवार है वो सबसे लास्ट में है। तो उस आधार पर यदि देखेंगे तो परमाणु आकार में कमी होने से इसका आकार कम होना चाहिए, कि जो त्रिज्या होती है वो वांडरवाल त्रिज्या नापी जाती है, इसलिए इसकी त्रिज्या अधिक होती है। क्योंकि इसमें बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो इसमें सहसंयोजक त्रिज्या नहीं नापी जाती। इसमें वांडरवाल आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं, तो वांडरवाल त्रिज्या नापी जाती है। वांडरवाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर जो परमाणु हैं वो आपस में वांडरवाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। लेकिन यदि 17वें परिवार से तुलना करेंगे तो 17वें परिवार की तुलना में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हैलोजन की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे कम होगी। लेकिन हैलोजन और अक्रिय गैस की तुलना करेंगे तो अक्रिय गैसों के लिए जो परमाणु त्रिज्या का मान होगा वो हैलोजन से अधिक होता है, क्योंकि हैलोजन में सहसंयोजक त्रिज्या नापी जाएगी और जो अक्रिय गैसेस होती है उसके लिए वांडरवाल त्रिज्या नापी जाती है। अगला हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। तो किसी भी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह स्थायी होता है, इसका अष्टक पूर्ण होता है NS2NP6। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पूरे परिवार में इसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, यानी यदि प्रत्येक आवर्त की तुलना की जाए तो प्रत्येक आवर्त में जितने भी इसके सदस्य हैं सबकी आयनन ऊर्जा आवर्त के सभी सदस्यों से उच्च पाई जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी लिए हुए होते हैं। लेकिन इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है। हीलियम के लिए आयनन ऊर्जा 2372, नियॉन के लिए 2081, ऑर्गन के लिए 1521, क्रिप्टॉन के लिए 1351 और ज़ेनॉन के लिए 1170, ये सभी हम किलोजूल पर मोल में नापते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होगी, भले ही वांडरवाल त्रिज्या नापी जाती है, लेकिन यदि इसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती जाएगी, आयनन ऊर्जा के मान में कमी होगी, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा और कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल सकती है। अगला गुण है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण होने पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वह ऋणायन में परिवर्तित होते हैं और कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अष्टक पूर्ण होता है, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है वो पॉजिटिव होता है, बहुत अधिक धनात्मक होता है।
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी शून्य होती है, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। भौतिक गुणों के बारे में अब हम जानेंगे। तो चूंकि इसमें यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, ये सभी एक परमाणुक होते हैं, इसके लिए Cp बाई Cv का मान 1.66 होता है। जल में ये आंशिक रूप से विलेय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसकी जो एंथैल्पी और वेपोराइजेशन है, वाष्पन की एंथैल्पी है, वो बहुत ही कम होती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये जो वाष्पन की एंथैल्पी का मान है वो बढ़ता जाता है। लेकिन चूंकि ये सभी वांडरवाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसलिए वाष्पन की एंथैल्पी का मान बाकी सभी सदस्यों की तुलना में कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर चूंकि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, तो इसलिए जो वाष्पन की एंथैल्पी का मान है वो भी बढ़ता है। चूंकि इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी में दुर्बल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसकी जो वाष्पन की एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे ऊपर से नीचे आने पर यदि देखेंगे तो ये वाष्पन की एंथैल्पी का मान बढ़ता जा रहा है। हीलियम के लिए 0.09, नियॉन 1.80, ऑर्गन 6.30, क्रिप्टॉन 9.70, ज़ेनॉन 13.70 और रेडॉन के लिए 18। तो ये सभी किलो जूल पर मोल में है, क्योंकि वाष्पन की एंथैल्पी के रूप में ये नापा जा रहा है। पूरे परिवार में जब इसे तुलना करते हैं तो इसकी वाष्पन की एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है, लेकिन अपने ही परिवार में जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो वाष्पन की एंथैल्पी का मान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और इसके कारण जो ध्रुवणीयता होती है, पोलैरिटी होती है, वो भी बढ़ती जाती है। तो इस वजह से इसके वाष्पन की एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। अब हम इस परिवार का जो अगला गुण है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या क्वथनांक। तो ऊपर से नीचे आने पर इसमें भी जो गलनांक का मान होता है वो बढ़ता जा रहा है और क्वथनांक का मान भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। तो इसके बढ़ने का कारण भी बढ़ता हुआ परमाणु भार होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु भार में वृद्धि होती है, वांडरवाल आकर्षण बल की जो मात्रा होगी वह भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाएगी, और इस कारण इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इस परिवार के सदस्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, तो इन गैसों का द्रवीकरण करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु भार में वृद्धि होती है, द्रवीकरण करना, उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान होता जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो द्रवीकरण का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, द्रवीकृत होने की जो क्षमता है इनकी बढ़ती जाएगी। तो हीलियम, फिर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, तो सबसे आसानी से द्रवीकृत होने वाला ज़ेनॉन होगा। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने देखा सारणी में कि सबसे कम होता है। तो हीलियम का जो द्रव रूप होता है वो क्रायोस्कोपिक जो मेथड है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जल में इसकी विलेयता का मान इसलिए कम होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर ध्रुवणीयता बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये विलेयता का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इस परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं, तो चूंकि इस परिवार के सदस्यों में जल में विलेय होने की प्रवृत्ति ना के बराबर होती है, लेकिन चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसमें ध्रुवणीयता बढ़ती है, यानी पोलैरिटी का मान बढ़ता है, इस वजह से इसकी विलेयता का नेचर भी थोड़ा बढ़ेगा। अक्रिय गैसेज जो होती है उसमें अवशोषण का गुण भी होता है। ये सक्रिय जो चारकोल है उसमें अवशोषित हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में और अलग अलग प्रकार से ये अवशोषित हो सकती है, लेकिन हीलियम जो है वो अवशोषित नहीं हो पाता है। सबसे अधिक अवशोषित होने की प्रवृत्ति जो है वो ज़ेनॉन की होती है। सक्रिय चारकोल में सबसे अधिक अवशोषित होने की जो प्रवृत्ति है वह ज़ेनॉन की होती है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो ये बढ़ता हुआ अवशोषण का क्रम है। ज़ेनॉन सबसे आसानी से अवशोषित हो सकती है। अब हम 18वें समूह के सदस्यों के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, और उसे जानने से पहले इनके रासायनिक गुणों का आधार क्या है वो हम जानेंगे।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की, देने की, साझा करने की किसी भी प्रकार की टेंडेंसी नहीं होती है। आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है वो धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। अक्रिय गैसों को आजकल उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अक्रिय भी नहीं है। प्रकृति में ज़ेनॉन के कई सारे यौगिक पाए गए हैं। तो सबसे पहले 1962 में नील बार्टलेट जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि प्लेटिनम के जो हेक्साफ्लोराइड है उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई, और ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की क्रिया कराकर उन्होंने एक संकुल प्राप्त किया। तो O2 प्लस PtCl6 इज इक्वल टू O2 प्लस बड़े ब्रैकेट में PtF6 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, तो ये माइनस चार्ज, तो ये एक संकुल बना। तो ये प्लस माइनस ये शो करता है, ये एक प्रकार का लवण बना है, एक संकुल बना है। इसका नाम है ऑक्सीजनेटेड हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनेट फिफ्थ। ये जो संकुल बना है, इस प्रकार का संकुल ज़ेनॉन भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है, अर्थात ऑक्सीजन O2 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो O2 प्लस में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए आयनन एंथैल्पी का मान है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है, वो 1175 किलो जूल पर मोल है। और ज़ेनॉन में भी देखा गया कि ज़ेनॉन का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस समय उसकी आयनन एंथैल्पी का मान 1170 किलो जूल पर मोल होती है। तो चूंकि ऑक्सीजन और ज़ेनॉन दोनों के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान लगभग बराबर है, तो उन्होंने ये सोचा कि इसी प्रकार ज़ेनॉन भी यौगिक बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ यौगिक बनाया है तो ज़ेनॉन भी बना सकता है, क्योंकि ज़ेनॉन और ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी का मान, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान लगभग समान होता है। तो ज़ेनॉन जब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो Xe प्लस PtF6 इज इक्वल टू Xe प्लस PtF6 बड़ा ब्रैकेट लिखा गया है और बड़े ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज। तो ज़ेनॉन भी एक प्रकार का संकुल बनाया, तो इसका नाम है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट फिफ्थ, जैसे कि ऑक्सीजन में बना था। तो यहीं से शुरुआत होती है कि ज़ेनॉन भी यौगिक बना सकते हैं। तो जब इस परिवार के कुछ सदस्य यौगिक बना सकते हैं तो अब हम इसे अक्रिय गैस के रूप में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये यौगिक बना भी पा रहे हैं। तो क्रिप्टॉन के भी कुछ यौगिक हैं, जैसे KrF2, रेडॉन भी RnF2 के रूप में होता है, लेकिन इसका पृथक्करण जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, तो आजकल इसका प्रयोग रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में भी किया जाता है। ऑर्गन, नियॉन और हीलियम, इसके यौगिक आज भी प्राप्त नहीं हैं। चूँकि इस परिवार के कई सदस्य यौगिक बना पाते हैं, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के रूप में भी जाना जाता है।